कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में सियासत अब अजीब स्थिति पहुंच चुकी है। भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भाजपा सरकार नहीं चला पा रही है, बल्कि सरकार इस समय सत्ता पर हावी अफसरशाही चला रही है और नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं एवं उनके हितों से अनदेखा किया जा रहा है। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में सियासत की अजीब स्थिति है कि प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भाजपा सरकार नहीं चला पा रही है, बल्कि इस सरकार को सत्ता पर हावी अफसरशाही ही चला रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों व हितों को सरेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थिति यह है कि बीजेपी के अंतर्द्वंद के कारण बीजेपी पर अफसरशाही हावी होती नजर आ रही है। राणा ने कहा कि बीजेपी की अंदरूनी साजिशें अब आम जनता तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि मंचों पर बीजेपी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज अब आम जनता को बता रही है कि उनका निशाने पर उनके ही लोग हैं। राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सियासत व सत्ता बीजेपी के उन लोगों को रास नहीं आ रही है जो अपनी हुकूमत के आगे किसी को भी सत्ता या सियासत में देखना नहीं चाहते हैं, जिस कारण अब सरकार को अपने ही लोगों की साजिश का शिकार होना पड़ रहा है। राणा ने कहा कि बीजेपी की विरोधी टीम की साजिशों और शह के कारण ही अफसरशाही निरंतर सरकार पर हावी होती जा रही है। कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो बड़े साधारण किस्म के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, देवभूमि है, और यहाँ के लोग जो हैं वो उनमें हिमाचल प्रदेश की संस्कृति जो है वो कूट कूट कर भरी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएंगे कि आपके पार्टी के नेता दिल्ली में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? गाली और गोली की बात भाषा का इससे जो इस्तेमाल हो रहा है, आज पूरा देश उस बात की निंदा कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय को इस बात के लिए इंटरफेयर करना पड़ रहा है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि अगर आज इस देश में कोई भी व्यक्ति सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करता है तो या तो वो जेल के अंदर डाल दिया जाता है या फिर वो देशद्रोही करार दे दिया जाता है। और दूसरी तरफ मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ये जो गिरदारी वाला शब्द है कि कोई लोग जो लोग इस देश में जनविरोधी नीतियों की के विरुद्ध आवाज उठाते हैं वो तो देश के गिरदार कहलाते कह रहे हैं उनको, परंतु आपकी पार्टी के नेता जिस तरीके से गोली और गाली और इसके अलावा किस किस तरीके के भड़काऊ भाषण जो है वो दे रहे हैं, आज तक सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की? ये कार्रवाई एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली की, गोली की और अभद्र भाषा बोलने की,